प्यारा सा सर्किट है और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दो डायोड लगा है D1 और D2, तीन रेजिस्टेंस लगे हैं और एक बैटरी लगी है, तो पूछ रहा है इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी। तो इस सर्किट में करंट, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको पता चले कि कौन डायोड किधर है। चलो यहाँ से तुम देखोगे, अच्छे से देखो, यहाँ से अच्छे से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये प्लस टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो ये डायोड का प्लस है, तो इस बैटरी से इस डायोड का प्लस है, मतलब ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। और इस बैटरी का ये प्लस है और ये बैटरी इसका निगेटिव है डायोड का, तो ये जो प्लस है उसका निगेटिव से कनेक्टेड है, ये डायोड रिवर्स बायस में है। तो ये अगर डायोड रिवर्स बायस में, ये फॉरवर्ड बायस में है, तो जब बताया नहीं गया है तो मैं आइडियल कंसीडर करूंगा, तो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा और फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो ये जो लाइन है वो ब्रेक कर जाएगी, इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो ये ऊपर की सर्किट ये जो है वो बेकार हो गई। तो जो नीचे की सर्किट बन गई वो सिंपल सी ये कुछ ऐसी दिखेगी हमें, ये यहाँ से एक प्यारी सी सर्किट दिखेगी। क्या हुआ भाई, यहाँ से एक प्यारी सी सर्किट दिखेगी, इसका रेजिस्टेंस जीरो ले लिए और ये यहाँ से 30 ओम का रेजिस्टेंस आ गया और इधर आ गया 20 ओम और इधर बैटरी लग गया प्लस माइनस, ये सिंपल सर्किट बनेगी। 5 वोल्ट इधर आ गया, ये 20 वोल्ट है प्यारे बच्चों और ये 30 ओम इधर है, बराबर है। तो इसमें यहाँ करंट निकालना तो छोटे LKG UKG के बच्चे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो करंट I इक्वल टू वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितना है 5, रेजिस्टेंस कितना है 30 + 20 दैट इज 50, मतलब 5/50 मतलब 1/10 मतलब 0.1 मतलब, लेकिन 5/10 मतलब ये B ऑप्शन सही है।